हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एनजे फार्मिंग में। ये देखिए, अभी ये फीमेल जो है, इधर आई, ये फीमेल जो है सो अभी बच्चा दे रही है। बच्चा देने का काम अभी इसका चालू ही है और अभी तक इसका 4 बच्चा जो है वो आ चुका है और अभी बाकी आ रहे हैं। ये देखिए, 5वां डिलीवरी हो चुका है। दिखाओ इधर, दिखा नहीं था। ये देखिए, 5वां भी डिलीवरी हुआ। ये अपने आप, सब कुछ अपने आप होगा दोस्तों। कभी भी उसको जो है सो आप हाथ मत लगाइए, बस निकालने के बाद जो होता है वो कर सकते हैं। आप एक देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा बच्चा जो अनकम्प्लीटेड था, इधर दिखाओ। ये देखिए, छोटा बच्चा जो अनकम्प्लीटेड था, जो कि जैसा मैं बताता हूँ, फीमेल अगर ज्यादा मोटा हो जाता है या ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या ना पेट में उनका थोड़ा खराबी होना चालू हो जाता है, जिसमें बच्चे मरना चालू हो जाते हैं। ये देखिए, अनकम्प्लीटेड बच्चा है। ये अभी कम्प्लीट नहीं था, लेकिन इसका डिलीवरी हो गया। ठीक है, जाने दो। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों वीडियो में, ये छोटे बच्चे अभी दूध पी रहे हैं और एक का नर टूटा नहीं है अभी अंदर से। लाइव वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। इसमें से कुछ भी नहीं करना है, कोई साफ सूफ नहीं करना है। आप सबों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी बड़ी फीमेल के साथ में बैठ करके इस तरीके से डिलीवरी लेना, देखिए जब निप्पल साफ नहीं रहता है तो आप साफ कीजिए, फिर उसको पिलाइए। पेट से निकलने के बाद तुरंत इनको माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप फीमेल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उस समय, उस दरमियान में क्या होगा कि फीमेल जो है वो आपको काट भी सकती है और बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए फीमेल को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, ये सारी बातें आपको ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल बताया जाता है। और कौन से फीमेल से कितना ज़्यादा बच्चा ले सकते हैं, अभी देखिए, अभी इसका चालू है। अभी इसमें 6 बच्चे दे चुका है, ये कंप्लीट कर चुका है 6 बच्चा, और एक बच्चा तो मॉर्टिलिटी हो गया। और अभी 6 बच्चे जो है वो सारे के सारे तंदुरुस्त है, बढ़िया है। आप ट्रेनिंग में आते हैं, आपको ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकते हैं डिलीवरी का, लेकिन मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से ही आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ट्रेनिंग करना हो तो 10 दिसंबर को ट्रेनिंग है, आप अपना सीट बुक करवा सकते हैं।